सबका मालिक एक है। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। तेरी करुणा ममता और मोह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुझे एक बात आ समझनी होगी कि मनुष्य केवल अपने कर्मों का ही फल भोगता है। अब बहुत हो गया, हमें इन्हें रोकना होगा। थाम बाप। बहनी रमा बहनी, आप बाड़ी के भीतर जाइए। भीतर तो मैं जरूर जाऊंगी छपरा, पर उससे पहले मैं अपने गांव वालों से कुछ कहना चाहती हूँ। गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये तुम्हारे अपराधी नहीं है, तुम्हारी अपराधी मैं हूं। मेरे पति और तुम्हारे कुलकर्णी भाऊ है। नहीं तई नहीं, तुम अपराधी नहीं हो। तुम तो मेरी माँ जैसी हो, तुमने मुझे कितने बार खाना खिलाया है। रमाताई, हम सब तुम्हें अपनी बहन जैसा मानते हैं। फिर भी पत्नी अपने पति के कार्यों की उत्तरदायी होती है, इसीलिए आज मैं तुम्हारे कुलकर्णी भाव की बाई को रमा कुलकर्णी अपने स्वामी के हर पाप का प्रायश्चित करेगी। इन चारों को मार कर भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारे हाथ इनके खून से गंदे हो जाएंगे। पर मैं जो आज आपको देने जा रही हूं, वो हमेशा आपके पास रहेगा। वहनी क्या देने वाली है छबराव? मुझे भी नहीं पता, और अगर तू चुप रहेगा तो मैं सुन पाऊंगा। देवा भाऊ, मैं आज आपको साक्षी मानकर और साई बाबा की सौगंध खाकर कहती हूं, मेरे पति शिरडी गांव के पुलिस पाटिल वैद्यराज कुलकर्णी भाऊ ने आप सबकी जो जमीन जायदाद जबरदस्ती से हथियाई है, वो सारी की सारी मैं आज अभी इसी वक्त लौटा रही। यदि तुम कुलकर्णी के पापों का प्रायश्चित कर सकती हो माई, तो मेरे रहमदिल मालिक की रहमत उसे अवश्य मिलेगी। रमा के घर आंगन में खुशियों का बसेरा बना रहे, इसके लिए हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। ये रास्ता तुम्हें ही सोचना होगा माई। शायद इसीलिए साईं ने हमसे उपाय सोचने के लिए कहा था। रमा वहिनी की जय।
आलम जी, हम जो सोच रहे थे वही हो रहा है, यही तो हमारे ठाकुर की इच्छा थी। चलो चल कर अब कुलकर्णी को रिहा कर देते हैं, आओ। ये बहनी क्या कर रही है, कुलकर्णी भाई से कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अरे जब जिंदा बचे होंगे तब ना। अरे ऐसे क्या देख रहा है मुझे छपुराओ, तुझे पता है ना कि कुलकर्णी बहू को भूख और प्यास बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अगर तेवा डाकू ने उन्हें खाने पीने को नहीं दिया होगा तो कुलकर्णी बहू तो भूख प्यास से। मुझे कुलकर्णी बहू की चिंता हो रही है, खंडोवा बस उनके ऊपर कृपा करें। देवा डाकू की गिरफ्त से कुलकर्णी भाव को सुरक्षित लौटा कर लाओ साईं, यही तुम्हारी माँ का वचन है और यही तुम्हारी माँ की आज्ञा। बस इतना सोचो बाबा कि छब्बू काका, नट्टू काका, श्रीधर काका और पोंगा पंडित का भी परिवार है, उनके बाद उसके परिवार का क्या होगा? और यही तुम्हारी माँ की आज्ञा। उसके परिवार का क्या होगा? मैं लौट कर आता हूँ। तेरा वचन खंडित नहीं होगा बैजा माई, रमा का सुहाग नहीं उजड़ेगा, आदिनाथ अनाथ नहीं होगा। मैं अपने कर्तव्य और अपने वचन से कभी मुंह नहीं मोड़ सकता, भले ही नियति से मेरा दुस्साहस ही क्यों न माने। Pama,
कहाँ गए थे बाबा? किसी के वचन की रक्षा करने गया था सरफुद्दीन। तो उसकी रक्षा हो गई बाबा? आधी हो गई सरफुद्दीन। मच्छिंद्रनाथ, तुम्हारी जमीन आज से तुम्हारी। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। गए थे बाबा? किसी के वचन की रक्षा करने गया था सरफुद्दीन। तो उसकी रक्षा हो गई बाबा? आधी हो गई सरफुद्दीन। और मालिक ने चाहा तो पूरी भी अवश्य हो जाएगी। जा कुलकर्णी, जा। आज तेरी पत्नी ने सती सावित्री जैसा महान काम किया है। आज
आज से आपकी सारी जमीन फिर से आपके नाम हुई। रमा वहिनी की जय। रमा वहिनी की जय। रमा वहिनी की इंद्रनाथ, तुम्हारी जमीन आज से तुम्हारी। रमा वहिनी की जय। रमा वहिनी की जय। रमा वहिनी की जय। रमा वहिनी की जय। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भी ला करेंगे। अहिल्या, आजपासून तुझी सगळी जमीन मी तुला परत करते। रमा वहिनी की जय। 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 जो तमाशा होगा वो दिखेगा नहीं।
वो पता चलेगा। कुलकर्णी भाऊ कुलकर्णी भाऊ आप समझ बस कुछ नहीं बोलने का, कुछ नहीं बोलने का। तुम वादा करो कि आई को कभी जवाब नहीं दोगी। तूने मुझे बर्बाद कर दिया रमा। वही तुझे जिंदा इस आग में जला। मैं अपने हाथों मस्जिद की साफ सफाई कर देता हूँ। दीप प्रज्वलित हो जाने के बाद साफ सफाई नहीं की जाती, उससे प्रज्वलित दीप का अपमान होता है। आरती श्री साई गुरुवर की, आरती श्री साई गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की।